हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का हार्दिक स्वागत है कक्षा पाँचवीं के ई लर्निंग हिंदी के रिमझिम के कक्षा में। तो स्टूडेंट्स, हमने नन्हा फनकार नामक चैप्टर को लाइव क्लास और ई क्लासेस के ज़रिए पढ़ करके ख़त्म कर लिया था। आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम उसी चैप्टर के एक्सरसाइजेस को डिस्कस करने वाले हैं। मैंने आप लोगों के लिए एक एक्सरसाइज तैयार किया है जो है सही गलत का निशान। यदि आपको चैप्टर ठीक से समझ में आया है तो ये सही गलत का निशान आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए ज़्यादा समय ना गवाते हुए इसकी शुरुआत करते हैं। सही या गलत का निशान लगाइए। ठीक है, पहला है केशव 12 साल का था, क्या ये सही है बताइए मुझे। केशव कितने साल का था? अच्छा, जवाब आप लोग मुझे बताइएगा, ये उत्तर गलत है। ठीक है, उसके बाद है केशव के माता पिता गुजरात से आगरा आकर बस गए थे। केशव के माता पिता गुजरात से आगरा आकर बस गए थे, क्या ये सही है? जी हाँ, ये बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बादशाह अकबर को केशव की नक्काशी पसंद नहीं आई। बादशाह अकबर को केशव की नक्काशी पसंद नहीं आई, ये सही है कि गलत है? ये गलत है, उनको बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, है ना। बाद में कारखाने में काम देने वाली बात भी उन्होंने कही थी इसलिए। इसके बाद है भटकते भटकते बादशाह ख्वाजा सलीम चिश्ती के पास आए। भटकते भटकते बादशाह ख्वाजा सलीम चिश्ती के पास आए, ये सही है कि गलत है? बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट है केशव का जन्म दिल्ली में हुआ था, ये बोलिए तो सही है कि गलत है? केशव का जन्म दिल्ली में हुआ था, क्या ये सही है? नहीं, ये गलत है। केशव का जन्म कहाँ हुआ था? केशव का जन्म, अच्छा आप लोग आंसर बताएंगे मुझे। ठीक है, यदि आप लोगों को चैप्टर ठीक से समझ में आया है तो आप जवाब भी दे सकते हैं, है ना। और यदि कोई डाउट है तो वो भी बताइए। और यहाँ चैट अगर वर्क नहीं कर रहा है तो आप लोग ये सारे चीज़ों को नोट डाउन करके रख दीजिए। अगेन नेक्स्ट सैटरडे व्हेन वी विल मीट इन द लाइव क्लास आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तब तक के लिए, नेक्स्ट क्लास के लिए, तब तक सैटरडे तक के लिए नहीं, फिर कल मुलाकात होगी। बाय।